से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मेजर जनरल पंजी नहीं के बैच अलंकरण के लिए राजू रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका बैच अलंकरण कर उनका संभाल ले। बाकी लोग तो खड़े मंच में अपना प्रस्थान पंडाल में पैस लगा करके उनका सम्मान करेंगे। निवेदन होगा कि पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। कुंडल सिंह मोसाल जी 2012 तक 42 साल भारतीय सेना की सेवा की और वर्ष 2012 31 मई को सर्वोच्च सैनिक पद की पदाधिकारी रहे। इनके दादाजी भी प्रथम विश्व युद्ध के जांबाज रहे हैं। लेकिन भारत सरकार में आपको पहली विदेश राज्य मंत्री का दर्जा भारत सरकार ने आपको दिया। अपने आप के अंदर यहां से न जाने कितने सैनिक भारतीय सेनाओं में गए, यहां से कितने ही और दूसरे बलों में गए और उन्होंने वहां पर इस धरती का नाम रोशन किया। सचमुच में ये अद्भुत भूमि है और आप लोगों के दर्शन से मैं कृतार्थ। सीमांत सेवा फाउंडेशन कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिक सीमांत सेवा फाउंडेशन जिसने अपना सुहाग इस देश के लिए समर्पित कर दिया घर गए हमें। उसके बाद श्रीमती रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय सिपाही भगवान सिंह 17 कुमाऊं और दूसरे शौर्य चक्र विजेता हैं सिपाही नरेंद्र सिंह 8 कुमाऊं। सिपाही श्रीमती मोतीमा जोशी श्रीमती मोतीमा जोशी। उसके बाद श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी हवलदार दान सिंह कुशवाली, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती बसंती देवी भाई और स्वर्गीय नारायण सिंह ककाड़ी। हम तो पासपोर्ट ऑफिस सब जगह खोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पासपोर्ट की सुविधा आसान बने, जनमानस को जो पहले समस्याएं होती थी वो लेने में ना हो। पिथौरागढ़ के अंदर अल्मोड़ा में खुल गया है, पिथौरागढ़ में खुलेगा, हल्द्वानी में मेरे ख्याल से खुल गया है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले एक साल के अंदर हर पोस्ट ऑफिस के अंदर, हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर पासपोर्ट का कार्यालय खुले, लोगों को कोई दिक्कत ना हो।